इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुजफ्फरनगर महापंचायत से पहले डकैत की हुंकार, गिरफ्तारी नहीं देंगे सरकार से करेंगे बात। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत को राजनीतिक दलों का पूर्ण समर्थन। रालोद नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि मुजफ्फरनगर आ रहा हूं, आम पार्टी के नेता संजय सिंह भी महापंचायत में शामिल होंगे, कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व विधायक पंकज मलिक, इमरान मसूद भी शामिल होंगे, महापंचायत में सपा नेता भी शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर है। ऐसे में अब जो विपक्ष है वो लगातार अब नेताओं के साथ आ रहा है, ऐसे में किसान नेताओं का समर्थन भी किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से खबर है, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हो रही है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों का उनको पूर्ण समर्थन मिल गया है। रालोद नेता जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, आम पार्टी के नेता संजय सिंह भी वहां पर पहुंच रहे हैं, महापंचायत में सभी विपक्षी दल के बड़े नेता पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन किसान नेताओं को दे रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर न्यूज ऑल इंडिया अब तक पहुंचा रहा है। देखो, महापंचायत किसी आंदोलन के बीच में बुलाना, मीटिंग करना, सलाह मशवरा करना, यह आंदोलन की एक शैली रही है और होना भी चाहिए। कल एक मोड़ आया आंदोलन में, आप लोगों को सबको संज्ञान है इस बात का कि जो भी हुआ मामला वो वहाँ गलत हुआ। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आकर वहाँ बदतमीजी करी, उस सबको लेकर एक आक्रोश किसानों में है, वो अपना आक्रोश यहाँ सभी अपना साझा करेंगे बात को, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? बड़ा निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। जो कल घटना हुई है उसका जो राकेश टिकैत की आंसू निकली है, एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। और राकेश नहीं रोया, सारा किसान रोया है, किसान का खून रोया है। और जो इन्होंने किया है बहुत गंदा काम किया है, जानबूझकर के अकेले राकेश टिकैत को निशाना बना रहे थे, उसको टारगेट कर रहे थे, इन्होंने समझ क्या रखा है? किसान यूनियन महापंचायत में आज किस तरह के फैसले लिए? देखिए, ऐसा है, निर्णय किसान यूनियन का है, निर्णय किसान संगठनों को लेना है, हम उनके समर्थक हैं, उनके साथ हैं, निर्णय वो लेंगे, हम सहयोग करेंगे, हर तरीका का सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सुबह ही किसान नेता राकेश टिकैत से बात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा किसानों को उठाने की कोशिश के बाद शुक्रवार को सुबह फोन पर बात की। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसान नेताओं को जिस तरह प्रताड़ित किया है वह पूरा देश देख रहा है, भाजपा समर्थक भी शर्म से झुके हुए हैं और मुंह छुपाकर फिर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी ने देश को आंदोलित किसानों के 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग नहीं मानने व जनहित आदि के मामलों में भी लगातार ढुलमुल रवैया अपनाने के विरोध में आज राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसान और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसे में विपक्षी दल भी अब किसान नेताओं को अपना समर्थन दे रहे हैं, किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो, ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं, सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देने आया हूं, यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं। आपको लगता सत्ता पार्टी फोर्स के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल पूरी कोशिश, उनके बयान देखो, 24 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए, बिजली काटी जाएगी, फोर्स लगाई जाएगी, ये कोई आतंकवादी है? राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से आंदोलन को सुचारू रखेगा? मेरी रणनीति वो होगी जो यहाँ मंच के लोग तय करेंगे, जो साधारण किसान तय करेगा, मेरी रणनीति उसके साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।